जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में माइलस्टोन ऑफ स्काउटिंग गाइडिंग इन इंडिया से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, माइलस्टोन ऑफ स्काउटिंग गाइडिंग इन इंडिया में भारत के स्काउटिंग गाइडिंग इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो इनसे जुड़े हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे, जो संभवतः आपके राष्ट्रपति पुरस्कार के CVT एग्जाम, स्काउट गाइड कोटा रिक्रूटमेंट एवं BHG ज्ञान प्रतियोगिता, ऐसे ही अन्य स्काउटिंग शिविरों एवं टेस्टिंग कैंपों में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और वीडियो आपको पसंद आती है तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। तो माइलस्टोन ऑफ स्काउटिंग गाइडिंग इन इंडिया से जुड़ी प्रश्न उत्तर की जानकारी हम लोग 3 भागों में प्राप्त करेंगे। तो प्रथम भाग में हम लोग माइलस्टोन ऑफ स्काउटिंग गाइडिंग इन इंडिया से जुड़े 100 क्वेश्चन आंसर की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, यानी 100 प्रश्न उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग 3 भागों में माइलस्टोन ऑफ स्काउटिंग गाइडिंग इन इंडिया से जुड़े प्रश्न उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो माइलस्टोन ऑफ स्काउटिंग गाइडिंग इन इंडिया से जुड़े प्रश्न उत्तर के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, 1908 के दशक में भारतीय लड़कों की पहली टुकड़ी का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, बाद में से असंबद्ध कर दिया गया था। तो इसका उत्तर है रेव एलेक्स वुड। दूसरा प्रश्न है, स्काउटिंग एंड गाइडिंग इन इंडिया माइलस्टोन पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका उत्तर है डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ। तीसरा प्रश्न है, भारत में पहला स्काउट रूम कब और किसके द्वारा खोला गया था। तो इसका उत्तर है कैप्टन TH बेकर एवं मेजर पकेम्बान 1909 में और बेंगलोर में खोला गया था। चौथा प्रश्न हमारा है, भारत में पहला स्काउट रूम किस स्कूल में खोला गया था। तो इसका उत्तर है बिशप कॉटन स्कूल बंगलौर। पांचवा प्रश्न है, भारत में गाइडिंग की शुरुआत कब और कहां हुई थी। तो इसका उत्तर है 1911 में जबलपुर मध्य प्रदेश में। छठा प्रश्न है, भारत में गर्ल गाइड्स की पहली कंपनी की शुरुआत किसने किया था। इसका उत्तर है डॉक्टर कलेन। सातवां प्रश्न है, भारत में गर्ल मैसेंजर सर्विस की शुरुआत कब हुई। तो इसका उत्तर है 1910 लखनऊ में। आठवां प्रश्न है, हैंडबुक ऑफ गर्ल गाइडिंग कब और कहां प्रकाशित हुआ। तो इसका उत्तर है 1918 इंग्लैंड में। नौवां प्रश्न है, गर्ल गाइडिंग इन इंडिया हैंडबुक कब प्रकाशित हुआ। तो इसका उत्तर है 1918 में। 10 नंबर का प्रश्न है, दि सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया संगठन की स्थापना कब और किसने की। इसका उत्तर है डॉक्टर एनी बेसेंट 1914 में। 11 नंबर का प्रश्न है, दि सन्स एंड डॉटर ऑफ इंडिया संगठन का मोटो क्या था। इसका उत्तर है आई सर्व। 12 नंबर का प्रश्न है, कलकत्ता में स्काउटिंग की शुरुआत कब हुई थी। उत्तर 1910 में। 13 नंबर का प्रश्न है, कलकत्ता बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। इसका उत्तर है 1910 ईस्वी में। 14 नंबर का प्रश्न है, गर्ल गाइडिंग मैसेंजर सेवा कहां से शुरू की गई थी। इसका उत्तर है लालबाग मिशन गर्ल्स स्कूल लखनऊ। 15 नंबर का प्रश्न है, द गर्ल मैसेंजर बुक कब और किसने लिखी। इसका उत्तर है 1910 ईस्वी में मिस डेविस ने। 16 नंबर का प्रश्न है, बॉयज स्काउट एसोसिएशन का मुख्य आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था। इसका उत्तर है ब्रिगेडियर जनरल FG बॉन्ड। 17 नंबर का प्रश्न है, बॉयज स्काउट एसोसिएशन का सहायक मुख्य आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था। इसका उत्तर है मेजर P. वॉल्स।
18 नंबर का प्रश्न है, बॉयज स्काउट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी किसे बनाया गया था? इसका उत्तर है कैप्टन टी एच बेकर। 19 नंबर का प्रश्न है, कलकत्ता में प्रथम गर्ल गाइड्स कंपनी की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है 1913 में। 20 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रांत में स्काउट मास्टर प्रशिक्षण कब और किसने शुरू किया था? इसका उत्तर है विवियन बोस 1913 में। 21 नंबर का प्रश्न है, बाल सेवा दल का आयोजन कब, कहां और किसने शुरू किया था? इसका उत्तर है 1913 ईस्वी में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश और श्री राम वाजपेयी के द्वारा। 22 नंबर का प्रश्न है, बंगाली बॉय स्काउट एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? इसका उत्तर है 1914 में। 23 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रांत में बॉयज शिकारी आंदोलन की शुरुआत कब और किसने की? इसका उत्तर है मिस्टर जे आर इसाक 1914 में। 24 नंबर का प्रश्न है, पारसी स्काउटिंग एसोसिएशन के आयोजन कब और कहां किया गया था? इसका उत्तर है 1914 ईस्वी बॉम्बे। 25 नंबर का प्रश्न है, सिंध बॉयज स्काउट एसोसिएशन की शुरुआत कब और किसने की? इसका उत्तर है 1915 ईस्वी ए आई लैंगले। 26 नंबर का प्रश्न है, पूना में भारतीय गाइड की पहली कंपनी कब खोली गई? 1916 में। 27 नंबर का प्रश्न है, इंडियन बॉयज स्काउट एसोसिएशन का गठन कब किया गया और इसके संरक्षक कौन थे? इसका उत्तर है 1916 में एनी बेसेंट। 28 नंबर का प्रश्न है, साउथ इंडिया बॉयज स्काउट की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है 1916 में। 29 नंबर का प्रश्न है, कलकत्ता के दक्षिणी भाग में पहला स्काउट ट्रूप कब और किसने खोला? उत्तर है 1916 ईस्वी एल सी मित्तर ने। 30 नंबर का प्रश्न है, शाही विधान परिषद में स्काउटिंग का मुद्दा कब और किसने उठाया था? इसका उत्तर है 1917 में पंडित मदन मोहन मालवीय। 31 नंबर का प्रश्न है, कलकत्ता बॉयज स्काउट एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या रखा गया था? इसका उत्तर है बंगाली बॉयज स्काउट लीग। 32 नंबर का प्रश्न है, कलकत्ता बॉयज स्काउट एसोसिएशन का नाम कब बदला गया? तो इसका उत्तर है 1918 ईस्वी में। 33 नंबर का प्रश्न है, प्रथम स्काउट ट्रूप का प्रशिक्षण कहां शुरू किया गया था? इसका उत्तर है इलाहाबाद। 34 नंबर का प्रश्न है, सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो इसका उत्तर है 1918 में। 35 नंबर का प्रश्न है, बंगाल में भारतीय गाइड्स के लिए पहली आयुक्त किसे और कब नियुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर है ग्रीव्स को 1919 में। 36 नंबर का प्रश्न है, 1920 में भारतीय गाइड्स के लिए आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है लेडी अबला बोस। 37 नंबर का प्रश्न है, साउथ इंडियन बॉयज एसोसिएशन एवं इंडियन बॉयज स्काउट एसोसिएशन का विलय कब हुआ? इसका उत्तर है 1920 ईस्वी में। 38 नंबर का प्रश्न है, सेवा समिति स्काउट पत्रिका कब प्रकाशित हुई? इसका उत्तर है 1921 ईस्वी में। 39 नंबर का प्रश्न है, सिस्टर स्काउट्स और गर्ल मैसेंजर सर्विस का विलय किसके साथ हुआ? तो इसका उत्तर है ऑल इंडिया गर्ल गाइड सर्विस। 40 नंबर का प्रश्न है, विश्व स्काउट चीफ के रूप में बेडन पावेल पहली बार भारत कब आए थे? तो इसका उत्तर है 1921 ईस्वी में। 41 नंबर का प्रश्न है, गर्ल मैसेंजर सर्विस और सिस्टर स्काउट का विलय कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 1921 ईस्वी में। 42 नंबर का प्रश्न है, गर्ल मैसेंजर सर्विस और सिस्टर स्काउट्स का विलय किसके साथ हुआ था?
तो इसका उत्तर है ऑल इंडिया गर्ल गाइड एसोसिएशन। 43 नंबर का प्रश्न है, फर्स्ट ऑल इंडिया गर्ल गाइड कैंप कब और कहां हुआ था? तो इसका उत्तर है 1923 गणेश खिंड पुणे में। 44 नंबर का प्रश्न है, ऑल इंडिया गर्ल गाइड एसोसिएशन वैग्स का पूर्व सदस्य कब बना? तो इसका उत्तर है 1929 में। 45 नंबर का प्रश्न है, गर्ल गाइड एसोसिएशन की पहली मैगजीन का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है द इंडिया गाइड न्यूज सीट। 46 नंबर का प्रश्न है, गर्ल गाइड एसोसिएशन की पहली मैगजीन कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका उत्तर है 1916 में। 47 नंबर का प्रश्न है, गर्ल गाइड एसोसिएशन की पहली मैगजीन का नाम कब बदला गया और बदलकर क्या रखा गया? तो इसका उत्तर है 1936 में दी इंडियन गाइड रखा गया। 48 नंबर का प्रश्न है, पहली भारतीय महिला कौन थी जिसे इंडियन गाइड मूवमेंट को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किए? तो इसका उत्तर है मिसेस जूली सेन, 7वां वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस पोलैंड 1932 में। 49 नंबर का प्रश्न है, पहली महिला कौन थी जिसे गर्ल गाइड एसोसिएशन की चीफ कमिश्नर गाइड नियुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर है मिसेस क्यूनी। 50 नंबर का प्रश्न है, औद्योगिक स्काउटिंग की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो इसका उत्तर है 1921 नागपुर। 51 नंबर का प्रश्न है, ब्लाइंड बॉयज के लिए पहला ट्रूप कब खोला गया? तो इसका उत्तर है 1932 में। 12 नंबर का प्रश्न है, फर्स्ट ऑल इंडिया सी स्काउट कोर्स कब और कहां हुआ था? तो इसका उत्तर है 10 फरवरी से 1 मार्च 1936 करवाड़ में। 53 नंबर का प्रश्न है, भारत में एयर स्काउटिंग कब शुरू हुई? तो इसका उत्तर है 1945 में। 54 नंबर का प्रश्न है, भारत में एयर स्काउट्स का पहला शिविर कब और कहां हुआ था? इसका उत्तर है 1945 इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। 55 नंबर का प्रश्न है, भारत में एयर स्काउट्स का पहला शिविर में कितने स्काउट्स भाग लिए थे? तो इसका उत्तर है 50 स्काउट्स। 56 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रथम वुड बैच कोर्स कब और कहां आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर है 1922 टोलीगंज कलकत्ता में। 57 नंबर का प्रश्न है, स्काउटिंग फॉर बॉयज इन इंडिया पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? तो इसका उत्तर है 1923 में। हिंदुस्तान स्काउट एसोसिएशन में कितने स्काउट संगठन का विलय हुआ था? तो इसका उत्तर है 7, जिसमें कि निम्न है, सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन, दूसरा नेशनल स्काउट एसोसिएशन ऑफ बॉम्बे, तीसरा दी बॉम्बे बॉयज स्काउट एसोसिएशन, चौथा दी बॉम्बे बॉयज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्काउट एसोसिएशन, पांचवा मद्रास प्रेसिडेंसी स्काउट एसोसिएशन, छठा इंडियन नेशनलिस्ट स्काउट एसोसिएशन और सातवां है हिंदुस्तान स्काउट एसोसिएशन। 59 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत स्काउट्स और गाइड्स का ध्वज को किसने और कब फहराया था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू, 1 नवंबर 1950 को। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राष्ट्रीय सचिव यानी नेशनल सेक्रेटरी ने सर्कुलर जारी कर विलय की घोषणा कब किया? तो इसका उत्तर है 2 नवंबर 1950 को। 61 नंबर का प्रश्न है, गर्ल गाइड एसोसिएशन का भारत स्काउट्स एवं गाइड्स में विलय कब हुआ? तो इसका उत्तर है 15 अगस्त 1951 को। 62 नंबर का प्रश्न है, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स नेशनल काउंसिल की पहली रेगुलर बैठक कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 1 नवंबर 1953 को नई दिल्ली में। 63 नंबर का प्रश्न है, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के प्रथम चीफ कमिश्नर ऑफ स्काउट कौन थे? तो इसका उत्तर है श्री विवियन बोस। 64 नंबर का प्रश्न है, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के प्रथम चीफ कमिश्नर ऑफ गाइड्स कौन थे? तो इसका उत्तर है मिसेस क्यूनी। 65 नंबर का प्रश्न है, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के
प्रथम नेशनल ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर कौन थे? तो इसका उत्तर है पंडित श्रीराम वाजपेयी। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के प्रथम नेशनल ट्रेजरर कौन थे? तो इसका उत्तर है श्री बी सहाय। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के प्रथम नेशनल सेक्रेटरी कौन थे? तो इसका उत्तर है श्री के जी वैद्यनाथन। पहले डायरेक्टर का पद नेशनल सेक्रेटरी के नाम से ही जाना जाता था। बीएसजी नेशनल ट्रेनिंग सेंटर कब और कहां खुला? तो इसका उत्तर है पचमढ़ी मध्य प्रदेश में 1956 में। 69 नंबर का प्रश्न है, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक के निर्माण के लिए सेठ किरोडीमल ट्रस्ट ने कितने रुपए दान किए? तो इसका उत्तर है 45,000 रुपए। 70 नंबर का प्रश्न है, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर के बीपी मेमोरियल भवन के निर्माण के लिए गर्ल गाइड एसोसिएशन ने कितने रुपए दान किए? तो इसका उत्तर है 68,000 यानी 68,000 रुपए। 71 नंबर का प्रश्न है, बीपी मेमोरियल भवन का शिलान्यास कब और किसने किया था? तो इसका उत्तर है प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 10 सितंबर 1956 को। 72 नंबर का प्रश्न है, बीपी मेमोरियल भवन का उद्घाटन कब और किसने किया था? तो इसका उत्तर है 22 फरवरी 1961 लेडी वेडन पावेल के द्वारा। 33 नंबर का प्रश्न है, बीपी मेमोरियल भवन से एनटीसी कैंप साइट का जो प्रवेश द्वार है उसका नाम क्या रखा गया और कब रखा गया? तो इसका उत्तर है धीमान स्क्वायर 9 मई 1978 को। 74 नंबर का प्रश्न है, नेशनल एडवेंचर इंस्टीट्यूट पचमढ़ी कब खुला? तो इसका उत्तर है 1992 में। 75 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलवे में स्काउटिंग की शुरुआत कब हुई? तो इसका उत्तर है 1926 में। 76 नंबर का प्रश्न है, भारत में फर्स्ट इंटरनेशनल कमिश्नर गाइड मीटिंग कब और कहां आयोजित हुआ था? तो इसका उत्तर है 22 से 29 अक्टूबर 1956 पचमढ़ी। भारतीय रेलवे में स्काउटिंग की पहली टुकड़ी कहां खुला? तो इसका उत्तर है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यानी NWR। 78 नंबर का प्रश्न है, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की ऑफिशियल मैगजीन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर है जनवरी 1955 में। 79 नंबर का प्रश्न है, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की पहली ऑफिशियल मैगजीन का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है दी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जर्नल। 80 नंबर का प्रश्न है, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की पहली ऑफिशियल मैगजीन का नाम बदल कर क्या रखा गया? तो इसका उत्तर है दी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। 81 नंबर का प्रश्न है, 17 वर्ल्ड स्काउट कॉन्फ्रेंस कब और कहां आयोजित हुआ? तो इसका उत्तर है 29 जुलाई से 3 अगस्त 1959 नई दिल्ली। 82 नंबर का प्रश्न है, 17 वर्ल्ड स्काउट कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? तो इसका उत्तर है बिल्डिंग टुमारो टुडे। 83 नंबर का प्रश्न है, 17 वर्ल्ड स्काउट कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। 84 नंबर का प्रश्न है, फर्स्ट स्टडी सर्कल ऑफ SOC स्काउट का आयोजन कब और कहां हुआ था? 27 मई से 4 जून 1960 पुणे में। 85 नंबर का प्रश्न है, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के प्रथम पैट्रोन कब और कौन बने थे? तो इसका उत्तर है 12 नवंबर 1960 उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसे आज चीफ पैट्रोन के नाम से जाना जाता है। 46 नंबर का प्रश्न है, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो इसका उत्तर है भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 12 नवंबर 1960 को। 87 नंबर का प्रश्न है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के प्रथम चीफ पैट्रोन कब और कौन बने थे?
तो इसका उत्तर है 12 नवंबर 1960 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे अब पेट्रोन इन चीफ के नाम से जाना जाता है। 88 नंबर का प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट गाइड रैली कब और कहां आयोजित हुआ? तो इसका उत्तर है 28 नवंबर 1961 राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। 89 नंबर का प्रश्न है, भारत स्काउट्स और गाइड्स राष्ट्रपति अवार्ड बैज में अशोक स्तंभ लगाने की अनुमति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कब मिली? तो इसका उत्तर है 1961 में। प्रथम राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट गाइड रैली के समय बीएसजी के नेशनल कमिश्नर कौन थे? तो इसका उत्तर है डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू। प्रथम राष्ट्रपति अवार्ड बैज के लिए कितने स्काउट गाइड उत्तीर्ण हुए थे? तो इसका उत्तर है 225 स्काउट और 100 गाइड्स। 92 नंबर का प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रपति अवार्ड रोवर रेंजर रैली का आयोजन कब किया गया था? तो इसका उत्तर है 1971 में। 93 नंबर का प्रश्न है, फर्स्ट ऑल इंडिया गाइड सेमिनार का आयोजन कब और कहां किया गया था? तो इसका उत्तर है 9 से 31 मई 1962 पचमढ़ी में। 94 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय मुख्यालय भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी यानी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कितने सब कमेटी की नियुक्ति की? तो इसका उत्तर है 2 सब कमेटी। 95 नंबर का प्रश्न है, बीएसजी राष्ट्रीय मुख्यालय के निर्माण के लिए बनाए गए कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? तो इसका उत्तर है श्रीमती लक्ष्मी मजुमदार। 96 नंबर का प्रश्न है, भारत स्काउट एंड गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय निर्माण के सुपरवाइजर कौन थे? तो इसका उत्तर है राय बहादुर दुर्गा दास। 97 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय मुख्यालय भवन का उद्घाटन कब और किसने किया था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति 31 जनवरी 1964 को। 58 नंबर का प्रश्न है, सिविल डिफेंस प्रोफिशिएंसी बैच की शुरुआत कब हुई? तो इसका उत्तर है 1965 में। 99 नंबर का प्रश्न है, 15 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वैक्स का आयोजन कब और कहां हुआ था? तो इसका उत्तर है 1954 में हॉलैंड। और हमारा 100 नंबर का प्रश्न है, यानी हमारा अंतिम प्रश्न है, पुणे में वर्ल्ड गाइड सेंटर बनाने के आग्रह को किस वर्ल्ड गाइड कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया गया? तो इसका उत्तर है 18th वर्ल्ड गाइड कॉन्फ्रेंस डेनमार्क 1963 में। तो ये थे माइलस्टोन ऑफ स्काउटिंग गाइडिंग इन इंडिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो इस प्रथम भाग में हमने टोटल 100 प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त किए हैं। अगले भाग में हम लोग अन्य 100 प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से हम लोग माइलस्टोन ऑफ स्काउटिंग गाइडिंग इन इंडिया से जुड़े प्रश्नोत्तर की जानकारी लगातार प्राप्त करेंगे। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, ताकि जब हमारी अगली वीडियो को पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।